नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में जारी ठंड के बारे में। बिहार में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों से आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिससे न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। लेकिन अब बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जब मौसम साफ होगा और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज होगी। विभाग की माने तो पूर्वा हवा बहुत ही ज्यादा मात्रा में नमी लेकर आई है, जिससे न्यूनतम तापमान में बढ़ जाएगा। प्रदेश में मानसून का मिजाज इस बात से भी समझा जा सकता है कि बिहार के सबसे ठंडी जगह गया का तापमान भी 10.7 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। आपको बता दें कि गया में पिछले एक महीने में न्यूनतम तापमान 4 से 8 डिग्री के बीच था। यहां के पारे में 3 डिग्री से भी अधिक की वृद्धि हुई है। पटना में न्यूनतम पारा 4 डिग्री ऊपर चढ़कर 13 डिग्री पर पहुंच गया है, तो वही सामान्य से 4 डिग्री अधिक है। भागलपुर में बात करें तो न्यूनतम पारा 13.1 है और वही न्यूनतम पारा की बात करें तो 11.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इन दोनों जगहों पर तापमान लगा सामान्य से 4 से 2 डिग्री अधिक हुई है। फिलहाल प्रदेश में अधिकतम हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। दिन में देर से धूप निकल रही है। अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री ऊपर है। वहीं शहरों की बात करें तो रात के तापमान में पिछले 2 से 3 दिनों में 5 डिग्री से 6 डिग्री तक की वृद्धि हुई है। देश के अन्य हिस्सों में जहाँ बारिश और शीतलहर का प्रभाव है, वहीं बिहार में मौसम खुशनुमा बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से। आपको बता दें कि मंगलवार तक प्रदेश में यही स्थिति रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक विवेक सिन्हा ने बताया कि सुबह में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर से हवाएं नरम को लेकर आ रही है, साथ ही बादल छाए रहने से न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई है। जब तक बादल छटेंगे और उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रवाह शुरू होगा तो ठंड और भी बढ़ेगी। पिछले दिनों बिहार में बारिश को लेकर जारी पूर्वानुमान में यह बताया गया था कि प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। ऐसे में यह कहा जा रहा था कि ठंड ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन इसके साथ ही विभाग ने यह भी कहा था कि अगर प्रदेश में ज्यादातर हिस्सों में बारिश होती है तो किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी अगर बारिश होती है तो गेहूं और दलहनी फसलों को इसका सीधा सा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने यह भी कहा था कि अगर दिन के तापमान और रात के तापमान में अंतर होता है तो यह फसलों के लिए काफी लाभदायक है। अब जब आसमान से बादल छटने लगेंगे तो विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में एक बार फिर से प्रदेश में ठंड बढ़ सकती है। ऐसे में अब जान लेते हैं प्रदेश के प्रमुख शहरों के बारे में। राजधानी पटना का जो अधिकतम तापमान है वो 26 डिग्री सेल्सियस है, वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अब अगर हम गया की बात करें, जो कि प्रदेश का सबसे ठंडी जगह है, तो यहाँ अधिकतम तापमान 25.1 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं अगर हम गया के न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10.7 डिग्री दर्ज की गई है। वहीं अगर हम भागलपुर की बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं अगर हम इसके न्यूनतम तापमान की बात करें तो 13.1 डिग्री दर्ज की गई है। वहीं अगर हम पूर्णिया की बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री दर्ज की गई है, जबकि न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री दर्ज की गई है। अब तक तो हमने हाल जाना प्रदेश के साथ ही देश में ठंड की स्थिति को लेकर बात करें तो IMD ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के जाने के बाद से तापमान में गिरावट आने के अनुमान है। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन यानी कि सोमवार को भी हल्की बारिश हुई। शहर में बादल छाए रहने के चलते न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार यानी कि आज इसके साथ ही अगले कुछ दिनों तक मध्यम स्तर तक की बारिश और बिजली गरजने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बीते 24 घंटे में हल्की बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही बर्फबारी भी हुई है। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि कल्पा में 1 से 1.1 मिलीमीटर जो है बर्फबारी हुई है, जबकि धर्मशाला में 2.2 मिलीमीटर तक की बर्फबारी हुई, वहीं सलोनी में 2 मिलीमीटर तक की बारिश हुई है। तो ऐसे ही बिहार और देश के अन्य हिस्सों के बारे में ठंड को लेकर जारी अपडेट के बीच हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।